नमस्कार भागवन भाइयों, भागवन भाइयों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। भागवन भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बगीचों में सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के पश्चात किए जाने वाले कुछ कार्यों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहे हैं। हम विशेष रूप से भागवन भाइयों, ग्राफ्टिंग करने के पश्चात जब हमारा जून जुलाई का महीना आता है, उस समय जो सावधानियां हमें बरतनी होती है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जो ग्राफ्ट होता है, ग्राफ्ट के पश्चात जो ग्राफ्टिंग यूनियन होती है, वहाँ पे जो खाली स्थान रह जाता है बागवान भाई, कई दफ़ा जो ग्राफ्ट होते हैं टिक तो जाते हैं, लेकिन जो ग्राफ्ट वाला स्थान होता है वहाँ पर पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में हम ग्राफ्टिंग प्लास्टिक को वहाँ से हटा लेते हैं, तो आने वाले कुछ समय में जो ग्राफ्ट किया हुआ कलम जो होता है बागवान भाइयों, वो सूख जाता है आने वाले कुछ सालों में, या फिर उसी साल में कुछ महीनों के पश्चात वो सूख जाता है। तो इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि बागवान भाइयों आप देख भी पा रहे हैं, सबसे पहले तो हमने जो ये ग्राफ्ट है वहाँ से प्लास्टिक को हटाना है, और उसके पश्चात वहाँ पे हमने एक लेप लगाना होता है। जो भी खाली स्थान है ग्राफ्ट के पश्चात बागवान भाइयों, वहाँ पे हमने लेप लगाना है। यदि कैविटी ज़्यादा होती है बागवान भाइयों, तो वहाँ पे हमने जो लेप होता है उसको थोड़ा मोटा लगाना होता है, मोटा लेप वहाँ पे लगाना होता है बागवान भाइयों। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा लेप यहाँ पे लगाया जाए। कई दफ़ा बागवान भाई यहाँ पे फेविकोल का भी यूज़ करते हैं, और कई दफ़ा यहाँ पे बागवान भाई जो हमारा ब्लाइटॉक्स और अलसी का जो तेल होता है उसका लेप भी लगाते हैं। तो बागवान भाइयों, यहाँ पे हम परंपरागत तौर पर जो यूज़ करते आ रहे हैं वो है बागवान भाइयों लाल मिट्टी और गौमूत्र। इसका हमने लेप बनाना होता है बागवान भाइयों, गौमूत्र और लाल मिट्टी को आपस में मिलाना है, और उसके पश्चात हमने जो हमारा ग्राफ्ट होता है, ग्राफ्ट वाले स्थान पे इसको लगाना होता है। जहाँ पे कैविटी ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा गहरा लेप लगाना है, ज़्यादा लेप लगाना है बागवान भाइयों। अगर किसी भी तरह के हमारे बगीचे में जो कलम किए होते हैं वहाँ पे कैविटी कम है, तो फिर भी हमें यहाँ पे लेप को लगाने की आवश्यकता होती है। वैसे तो बागवान भाइयों, जब हम ग्राफ्ट करते हैं उस समय लाल मिट्टी लगाते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो कैविटी होती है वो कवर हो जाए और उसमें हवा के जाने की संभावना भी कम रहे। अगर हम लोग ग्राफ्टिंग करते समय किसी भी तरह का लेप नहीं लगाते, तो इस समय हम यहाँ पे लेप लगा सकते हैं। और भागवन भाइयों, जैसे ही हमारा लेप लगाने का कार्य ख़त्म हो जाता है, तो उसके पश्चात हमने जो ग्राफ्ट होते हैं उसके नीचे वाले हिस्से से सभी तरह के शूट्स, स्प्राउट्स, जो वाटर स्प्राउट्स होते हैं, उन सभी को हटाना होता है, ताकि जो हमारा कलम होता है ज़्यादा ग्रो कर सके।